चक्रधरपुर शहर के इतवारी बाजार में मोबाइल चोरों से जनमानस है परेशान। अब तक दर्जनों लोगों की हो चुकी है मोबाइल चोरी। आज एक नाबालिग को स्थानीय लोगों ने दबोचा और पुलिस को सौंपा। लड़का बार बार बदल रहा है बयान। मनोहरपुर स्टेशन में रहने की बात बताया, ये भी बोला सब्जी खरीदने मनोहरपुर से इतवारी बाजार आया था। लोगों ने उस समय दबोचा जब मोबाइल लेकर भाग रहा था। जब हल्ला हुआ तो मोबाइल फेंक कर भागने लगा। पवन केजरीवाल, समाजसेवी रणविजय समेत मीडिया कर्मी और बाजार करने आए लोगों की हो चुकी है मोबाइल चोरी। विगत कई महीने से हो रही है चोरी। समाजसेवी रणविजय समेत दर्जनों लोगों ने कहा, इतवारी बाजार में मोबाइल चोरों से परेशान है लोग। और अब खबर विस्तार से। मंगलवार की सुबह चक्रधरपुर शहर के इतवारी बाजार में लोगों ने रंगे हाथ एक नाबालिग चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक चक्रधरपुर इतवारी बाजार में लोग काफी संख्या में सब्जी खरीदने पहुंचे। इस दौरान एक नाबालिग भी इतवारी बाजार पहुंचा। चोर ने एक व्यक्ति के पॉकेट से मोबाइल चोरी कर भाग रहा था, तभी लोगों ने चोर को धर दबोचा। जब लोगों ने दौड़ाया तो मोबाइल फेंक दिया। इसके बाद लोगों ने काफी पूछताछ की तो चोर ने मनोहरपुर अपना एड्रेस बताया और कहा कि हम सब्जी खरीदने आए हैं। इसके साथ ही अपना बयान बदलते बदलते अपना नाम भी सही रूप से नहीं बताया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने चक्रधरपुर थाने को सूचित किया और नाबालिग चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। बताते चलें कि चक्रधरपुर शहर में विशेषकर मोबाइल चोरों का आतंक से लोग परेशान हैं। स्थानीय कारोबारियों और ग्राहकों ने बताया कि महीनों से मोबाइल चोरी करने की घटना हो रही है। क्या समय आया तो मुझे लगा कि मेरा मोबाइल नहीं है। अच्छा, और मुश्किल से हुआ होगा, करीब 9:30 बजे सुबह की बात होगी, 9:15 से 10 की बात। बहुत चारों तरफ खोजा तो कोई मिला नहीं। अच्छा, मुझे लगा कि या गिर गया या कोई निकाल लिया होगा। उसके बाद मैंने जो ऑफिशियल प्रोसीजर होता है, जो अभी सना दर्शन होता है, वो चढ़ाया और लोगों को लगाया। आज अभी बाजार में अभी हल्ला हुआ, हम लोग केसर के आया तो पता चला कि ये पकड़ाया है। और जो उस दिन जो लोगों ने कुछ भाग के देखा था लड़के को, हाँ, बोल रहे हैं कि यही था उस दिन भी। अच्छा, जो लेके भाग रहा था। अच्छा, हालांकि बच्चा इनकार कर रहा है, तो मोबाइल लेकर किसको देता है? पर वो हो सकता है ये गिरोह का एक छोटा सा बच्चा और सदस्य हो, किसके कुछ लोग कहीं और। अच्छा अच्छा, ये रणविजय जी 26 जी सर, मामला है मेरा। शनिवार को मैं बाजार करने आया था, वो देव जी है, उनके यहाँ बाजार करने आया था। जस्ट 2 मिनट पहले ही, और जैसा कि हम लोग सामाजिक लोग हैं तो सारे लोग मिलते रहते हैं, दुआ सलाम करते हुए मैं वहाँ पे गया। उसके बाद जब 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा सैटरडे को, जब मैं सब्जी वाले को पिक करने की बारी आई तो मैंने पॉकेट में हाथ डाला तो अचानक लगा कि मेरा मोबाइल भी नहीं है। मैंने चारों तरफ खोजा, पूछताछ किया। उसके बाद तत्काल दूसरे फोन से उस पर रिंग किया गया तो 2 बार रिंग हुआ, उसके बाद स्विच ऑफ बताने लगा। कुछ लोगों ने अभी पकड़ाया, मैं अभी थोड़ी देर